नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबरी पर। गोरख पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास की शुरुआत पर मंगलवार की सुबह जन कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने हवन भी किया। एक घंटे तक चले अनुष्ठान में उन्होंने आम के रस, 11 लीटर दूध, जल, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल और गन्ने के रस से महादेव भगवान शिव का अभिषेक किया। उन्होंने बेलपत्र, सफ़ेद कमल, लाल कमल, कनेर, शमीपत्र, दुबा, कुशाराई, गुड़हल, धतूरा, भांग और श्रीफल भी चढ़ाया। रुद्राभिषेक अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव और द्वादश ज्योतिर्लिंग का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री की दिनचर्या परंपरागत रही। तड़के 5 बजे उन्होंने सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। हमेशा की तरह मंदिर परिसर का भ्रमण करने के बाद वह गौशाला गए और आधे घंटे तक गायों के बीच रहे। उन्हें दुलारा पुचकारा और अपने हाथ से गुड़ चना भी खिलाया।